हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विजय। ये हमारा फिफ्थ ट्यूटोरियल है एंगुलर 2 का, जिसमें हम लोग बात करेंगे बूटस्ट्रैपिंग की। देखिए, बूटस्ट्रैपिंग का लॉजिक हम अलग से अपनी फाइल अलग से एक फाइल में रखेंगे, तो उसके लिए मैं एक फाइल बना लेते हैं। ऐप में जाएंगे या न्यू फाइल, और यहाँ पर मैं इस फाइल का नेम दे रहा हूँ main.ts। इस तरीके से अब देखिए, इसके अंदर हम सारा बूटस्ट्रैपिंग का लॉजिक रखेंगे। देखिए, बूटस्ट्रैपिंग में आपके बूट जो आपका एंगुलर होता है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म में आपका काम आता है। जैसे कि आपका ब्राउज़र हो गया, सबसे पहला प्लेटफॉर्म तो ये हो गया आपका, दूसरा सर्वर हो गया, ये प्लेटफॉर्म हो गया, और थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म भी होते हैं आपके। तो देखिए, उन प्लेटफॉर्म के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक आपका सबसे पहले तो एक मॉड्यूल को इम्पोर्ट करेंगे और फिर उसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं इम्पोर्ट, और यहाँ पर करली बेसिस, और यहाँ पर मैं इसका नेम दे रहा हूँ प्लेटफॉर्म ब्राउज़र। इस तरीके से आप देखिए, प्लेटफॉर्म ब्राउज़र डायनेमिक्स में इसका नेम दे रहा हूँ। आप छोटा भी दे सकते हैं, सिर्फ प्लेटफॉर्म भी दे सकते हैं, सिर्फ बूटस्ट्रैप भी दे सकते हैं, जो भी आपका जो आपके आपका नेम आपको याद रहे वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ प्लेटफॉर्म ब्राउज़र डायनेमिक्स, यहाँ लिखते हैं फ्रॉम स्लैश सिंगल कोटेशन एट द रेट फिर एंगुलर माइनस प्लेटफॉर्म माइनस ब्राउज़र माइनस डायनेमिक्स। इसको मैं यहाँ से इम्पोर्ट कर लूँगा इस नेम पे इसे इम्पोर्ट कर लिया है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आपका जो ऐप मॉड्यूल है उसे इम्पोर्ट करेंगे। यहाँ ऐप मॉड्यूल, इस पर हमें इसे अप्लाई करना होगा। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम सिंगल कोटेशन डॉट स्लैश ऐप डॉट मॉड्यूल, एक्सटेंशन नहीं लगाएंगे इस केस में भी हमारा, और फिर हम यहाँ पर लिखेंगे, इसे यूज़ करेंगे प्लेटफॉर्म ब्राउज़र डायनेमिक्स। इसे करते हैं यहाँ से कॉपी, और इसे यहाँ पर करते हैं पेस्ट, और इसके एक मेथड को हम लोग यूज़ करेंगे जिसका नेम है बूटस्ट्रैप स्ट्रैप मॉड्यूल। इस मॉड्यूल को यूज़ कर रहे हैं, इससे हमें ये पता चलेगा कि हमें जो मॉड्यूल अप्लाई करना है वो किस मॉड्यूल पे अप्लाई करना है। इसके अंदर हम मॉड्यूल का नेम डालेंगे, और हमारे केस में हम किस में अप्लाई कर रहे हैं, इस ऐप मॉड्यूल में अप्लाई कर रहे हैं। और इस अप्लाई करने से पहले हमने क्या किया, इसे इम्पोर्ट कर लिया है। तो यहाँ पर इसे लिख लेंगे इस तरीके से सेमीकोलन, और इसे कर लेते हैं यहाँ पर हम सेव। अब देखिए, अब हम सबसे पहले जाएंगे अपने टर्मिनल पर जहाँ पर हमारी फाइल थी एंगुलर 2 नेम से। यहाँ पर लिखेंगे npm और यहाँ पर लिखेंगे स्टार्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर एक छोटा सा एरर कर दिया था, यहाँ पर हमने माइनस का साइन लगाया था, यहाँ पर स्लैश का साइन होगा। और अगर हम फिर अपना आउटपुट देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ रहा है CSGeeks ऐप, इस तरीके से। तो ये थे हमारा आउटपुट आ गया। अब इसे थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं एक्चुअली हुआ क्या। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, आपका ऐप मॉड्यूल .ts बनाया था, जिसमें हमने क्या कहते हैं ng मॉड्यूल को इम्पोर्ट किया था, फिर हमने ब्राउज़र मॉड्यूल को इम्पोर्ट किया, और ऐप कंपोनेंट को इम्पोर्ट किया था। और ऐप कंपोनेंट कहाँ पर था, ऐप कंपोनेंट .ts में। यहाँ पर हमने सबसे पहले यूज़ किया था सेलेक्टर। देखिए, सेलेक्टर हमारा ऐप हमने बताया, इसका मतलब यह है कि आप इसे कुछ भी ले सकते हैं, ऐप माई ऐप जो भी आप नेम देना चाहें। लेकिन जब अगर यहाँ पर आप कोई भी नेम दे रहे हैं, जैसे माई ऐप दे रहे हैं, तो वो आपको index.html में एज अ टैग की तरह यूज़ करना होगा। देखिए, हमने एज अ टैग की तरह इसे यूज़ किया है, और इसके अंदर क्या चीज़ पास होगी, आपका पूरा जो आपका ऐप कंपोनेंट है ये चीज़ पास हो जाएगी। और इसमें टेम्पलेट की जगह पर क्या पास होगा, आपका लिखा हुआ जाएगा ऐप के अंदर, इस ऐप के अंदर ये चीज़ आपकी प्रिंट हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा आउटपुट आ रहा है CSGeeks ऐप। और जो क्लास है हमारी ऐप कंपोनेंट, इसमें क्या अप्लाई होगा, ये अप्लाई होगा पूरा कंपोनेंट आपका। इसी तरह से हमारे ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस में भी है, जो हमारी क्लास है ऐप मॉड्यूल, इसमें ये चीज़ अप्लाई होगी। देखिए, जब भी हम कोई डायरेक्टिव बनाते हैं और उसके बाद कोई क्लास बनाते हैं उसके जस्ट बाद, तो क्लास में क्या अप्लाई होता है, जो आपका डायरेक्टिव है वो अप्लाई होता है। हम फिर आए main.ts में। main.ts में हमने सबसे पहले प्लेटफॉर्म ब्राउज़र डायनेमिक्स को इम्पोर्ट किया, और फिर हमने ऐप मॉड्यूल को इम्पोर्ट किया। ऐप मॉड्यूल को क्यों इम्पोर्ट किया, क्योंकि हम ऐप मॉड्यूल में अप्लाई करना चाहते थे। अगर हम इस लाइन को नहीं लिखते और सिर्फ ये वाली लाइन लिख लेते, थर्ड फोर्थ वाली लाइन, तो हमारा कोड नहीं चलता, क्योंकि हमारा ऐप मॉड्यूल वो रीड नहीं कर पाता। तो हमें इसे इम्पोर्ट करना ज़रूरी था, इम्पोर्ट किया। फिर हमने बूटस्ट्रैपिंग मॉड्यूल किस में अप्लाई किया, ऐप मॉड्यूल में। और ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस में अगर हम जाएं, तो यहाँ पर क्या है, हमने यहाँ पर बूटस्ट्रैपिंग बता रखी है कि हम बूटस्ट्रैपिंग ऐप कंपोनेंट में अप्लाई कर रहे हैं। तो ऐप कंपोनेंट में हमारा बूटस्ट्रैपिंग अप्लाई हो जा रही है, और जिसकी वजह से हमारा आउटपुट आ जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।